नमस्कार दोस्तों, मैं निकलेश जैन आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं चेस प्लेयर्स इंडिया के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, नॉर्वे चेस में लगातार तीसरी जीत आई है विश्वनाथन आनंद जी के खाते में। जी हां, ये जीत क्लासिकल से नहीं आई है, लेकिन अर्मागेडन के मास्टर बनते जा रहे हैं विश्वनाथन आनंद। और देखिए, लगातार उन्होंने तीसरे बड़े खिलाड़ी को, मतलब जिसको कह सकते हैं युवा बड़े खिलाड़ी को पराजित किया है। और ये बड़ी जीत हम कहना चाहेंगे। पहले उन्होंने लागरेव को पराजित किया, उसके बाद डिंग लिरेन को, और अब वेस्ली सो को पराजित किया आर्मागेडन में। हालांकि इस बार मुकाबला ड्रॉ रहा, लेकिन और काले मोहरों से खेलना आसान नहीं है, लेकिन आपको आनंद के खेल की गहराई भी देखनी होगी, किस तरह से वो बड़े ही आसानी से उन्होंने वेस्ली सो के हर आक्रमण को जो है निस्तो नाबूद कर दिया या बेकार कर दिया। आइए नजर डालते हैं। सबसे पहले जो मुकाबला हुआ क्लासिकल में, तो सबसे पहले क्लासिकल मुकाबले की बात करते हैं। e4 e5, आनंद काले मोहरों से खेल रहे थे, बिशप b5 a6 बिशप a4, तो रॉयल लोपेज में मुकाबला हुआ एक बार फिर से। और यहाँ पर एक नई लाइन चुनाव की एक बार फिर से उनके विरोधी ने, मतलब वेस्ली सो ने, यहाँ पर d6 a4। यहाँ तक तो ओपनिंग जो है बिल्कुल नॉर्मल चल रही थी और कुछ भी ऐसा हटके नहीं हो रहा था जो कि इससे पहले ना हुआ हो। d3 h6 rook e1 कासल, knight bd2, knight e7, ये पोजिशन यहाँ तक आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो सबसे पहले जो रुक e1 आया, ये भी जो है बहुत ही कम खेला गया है टॉप लेवल पर। बहुत कुछ गिने चुने 13 गेम हैं। और इससे पहले एक प्लेयर हैं सिमरिन, इजरायली प्लेयर हैं, इजराइल के काफ़ी बड़े प्लेयर हैं, और उन्होंने ये लाइन खेली है वाइट से रुक e1, बट इससे पहले बहुत ज़्यादा मैचेस यहाँ पर हुए नहीं। ओके, कैसल, जो भी मैच हुए इससे पहले, तो उसमें भी knight bd2 knight e7, और यहाँ पर जो प्लान रहता है वो रहता है कि ब्लैक जो है ब्लैक knight g6 पहुँच जाता है, वाइट भी knight f1 से knight g3 आ जाता है, एंड देन गेम कंटिन्यू चलता है। जो इससे पहले मुकाबले हुए उसमें, इसके आगे जो मैच हुआ है उसमें knight f1 ऐसे मैच चला है, knight g6, knight g3, एंड देन सेंटर से ब्रेक दिया वाइट ने, एंड देन सेम एस सॉरी ब्लैक ने दिया, एंड सेम एस वाइट d4 एंड d5, कुछ इस तरह से मैचेस इससे पहले हुए थे। c5 c5 b c5, और ये मैच दोनों खिलाड़ियों ने ड्रॉ ले लिया था। लेकिन इस मैच में knight f1 knight e7, ये पोजीशन में knight f1 जाने की बजाय यहाँ पर knight h4 आए वेस्ली सो, कोशिश कर रहे हैं कि ये जो knight g6 पे आता है पहले इसको रोक दिया जाए और फिर अपना जो प्लान है उसको कंटिन्यू किया जाए। लेकिन यहाँ पर जब आपको knight f3 पे ना हो तो सेंटर से भी ब्रेक आने की संभावना बढ़ जाती है। खैर, आनंद ने रिप्लाई दिया rook b8। आनंद ने शायद आपको याद होगा पिछला जब लागरेव ने एक्सचेंज कर दिया था ab5 ab5, और उसके बाद रुक एक्सचेंज करके बिशप को कॉर्नर पर जाना पड़ा था, तो यहाँ पर जो इंटेंशन नजर आ रहे हैं वेस्ली सो की, उसको ध्यान में रखते हुए आनंद ने अपने काउंटर प्ले के चांसेस को कंटिन्यू रखा। उन्होंने एक्सचेंज करने को अवॉइड किया है यहाँ पर, और ताकि बिशप कॉर्नर में ना जाए, क्योंकि हो सकता है उन्हें कि अगर ये नाइट यहाँ पर आता है तो इस बिशप को यहाँ से टर्न करना पड़े, क्योंकि अगर वो रुक को यहाँ पर रखते हैं तो एक्सचेंज के बाद बिशप पहुँच जाता है इधर, और फिर उनको दो मूव लगते इधर आने में, तो इसीलिए उन्होंने rook b8 रखा ताकि वो एक्सचेंज यहाँ पर नहीं करना चाहते। ab5 ab5 knight f1, तो वाइट अपना प्लान कंटिन्यू किया और आपके प्लान पर रोक लगा दी है। एक प्रकार से आप knight g6 नहीं जा सकते। अब यहाँ पे दो तरीके हो सकते थे आनंद, या तो एक तो d5 सेंटर से ओपन करते, 3d4d4 queen d6, कुछ इस तरह से मैच हो सकते थे, bishop c2 और देन rook a8, तो ये एक तरीका हो सकता था खेलने का। बट आनंद ने यहाँ पर पोजीशन को पहले क्लोज ही रखा, उन्होंने खेला bishop c8 f5 के और g, इस डायगोनल पे पहले तो कंट्रोल लिया, और यहाँ पर उन्होंने जवाब दिया h3, तो bishop e6, अब इस बिशप को एक्सचेंज करने के लिए ऑफर दिया bishop e6 fe6, तो f5 का स्क्वायर एनीवे आपके कंट्रोल में है, और नाउ d5 भी आपके कंट्रोल में आ चुका है। knight f3, तो जवाब दिया b4, knight g3 आया यहाँ पर वेस्ली सो, सो बिशप इन। अब यहाँ पर इसके बाद लगातार जो है, अब आनंद का जो आप कह सकते हैं एम था, वो नाइट भी यहाँ पहुँच गया, दोनों के नाइट यहाँ पहुँच गए, और ये जो पॉन चार हैं ये काफ़ी स्ट्रांग है, पॉन डबल जरूर है बट स्ट्रांग है, और दो बहुत महत्वपूर्ण स्क्वायर को कंट्रोल कर रही है, तो ऑलमोस्ट सिमेट्रिकल पॉन स्ट्रक्चर आ गया। रुक रुक दोनों के पास, सेम कलर का बिशप दोनों के पास, तो पोजिशन यहीं से इक्वल हो गई थी। खैर, वेस्ली सो ने d4 किया, bishop b6, किसी भी तरह से पोजीशन को छेड़ा नहीं यहाँ पर आनंद ने, और इंतज़ार किया कि आप अगली आगे कैसे इम्प्रूव करते हैं। इसके बाद knight d7 और knight d2, दोनों तरफ से लगभग पोजीशन इक्वल थी, और इस एक्सचेंज के बाद जो आनंद की डबल पॉन थी वो भी चली गई, तो यहाँ से पोजीशन आप कह सकते हैं कि यहीं से एकदम इक्वल हो गई थी, बल्कि
हल्का सा एज आप कह सकते हैं, क्योंकि ये पॉन अगर कभी आगे निकली तो ये पास पॉन सीधे बन सकती है, जबकि यहाँ से जो पॉन एक्स्ट्रा है वो पास पॉन बनने में वक्त लगेगा, और मोहरे हैं वहाँ पर। ई फाइव किया यहाँ पर आनंद ने, तो नाइट एफ थ्री आया यहाँ पर वैसली, सो ई फाइव पर प्रेशर बढ़ाते हुए। एंड नाउ यहाँ पर आनंद ने खेला क्वीन एफ सिक्स। यहाँ पर एक चाल हो सकती थी रुक इन टू एफ थ्री, अगर एक एक्सचेंज सेक्रीफाइस जो है वो हो सकता था यहाँ पर, क्योंकि आगे इनटू डी फोर और एक प्यादा आपको मिलता और वो पास्ट पॉन के तौर पे मिलता, तो ये एक तरीका हो सकता था खेलने का। पर आनंद ने यहाँ पर सेफ खेला, उन्होंने क्वीन एफ सिक्स खेला और जवाब दिया नाइट एफ फाइव, नाइट ई सेवन, नाइट इंटू ई सेवन, क्वीन इंटू ई सेवन, रुक सी वन, और इसके बाद रुक एफ सेवन। आनंद ने यहाँ पर डबल करना शुरू किया इस ओपन फाइल में डी फाइव, और ये जैसे ही बिशप एक्सचेंज हुआ तो थोड़ी देर के लिए लगा, ये जो पोजीशन है थोड़ी देर के लिए ऐसा लगा कि ये यहाँ पे जरूर एक वीकनेस नजर आ रही है, इसको क्या आनंद एक्सप्लॉइट कर सकते हैं, क्योंकि आप देख सकते हैं कि बोर्ड पर जो एक ओपन फाइल है वहाँ पर आनंद का कंट्रोल है, तो इस पर कुछ प्रेशर बनाया जा सकता है क्या, इसकी थोड़ी उम्मीद लग रही थी और थोड़े बेहतर लग रहे थे आनंद के। आप दोनों रुख देख सकते हैं, वो निश्चित तौर पर सफ़ेद के रुख से बेटर है। नाइट का भी जो प्लेसमेंट है वो इस नाइट से बेटर है, लेकिन दिक्कत यह है कि क्या इस वीकनेस को एक्सप्लॉइट किया जा सकता है। जैसा कि आपको याद होगा कि आनंद के गेम में लागरेव के अगेंस्ट सी सिक्स पर वीकनेस थी, पर क्या उसको एक्सप्लॉइट किया जा सका, नहीं किया जा सका, वो यहाँ पे भी सेम हुआ और इस वीकनेस को आनंद कुछ खास नहीं कर पाए। यहाँ पर भी एक चाल कही जा रही थी कि यहाँ पर रुक बी थ्री अगर खेल दिया जाता तो यहाँ पे देखिए एक बड़े मज़ेदार टाइप का थ्रेट आप कह सकते हैं क्रिएट हो सकता है। फॉर एग्जांपल कि रुक इन टू वन सी टू, तो आप यहाँ पे पॉज करके सोच सकते हैं एक थ्रेट आ रहा है और बड़ा बढ़िया थ्रेट है, रुक इन टू एफ थ्री आ सकता है, जी एफ थ्री और क्वीन जी फाइव चेक, और किंग एच टू अगर जाते हैं तो रुक बी वन, जैसा कि आप देख सकते हैं गेम खत्म हो जाएगा। एक थ्रेट था बट थोड़ा पोजिशन को इम्प्रूव करने के कंटिन्यू करने के लिए, पर शायद आनंद को लगा हो कि वैसली सोच इसमें तो नहीं फंसने वाले, उसकी जगह वो जरूर कुछ इस तरीके से खेलते और पोजीशन जो है इक्वल ही रहती। तो आनंद एक्सपीरियंस प्लेयर हैं, काले मोहरों से खेल रहे थे और अर्मागेडन में लगातार दो मुकाबले जीत चुके थे, तो निश्चित तौर पर कॉन्फिडेंट थे कि कोई प्रॉब्लम नहीं है और वो मुकाबला इस तरीके से जीत सकते हैं। तो हालांकि एक्सचेंजेस हुए उसके बाद दोनों तरफ से, यहाँ पर थोड़ा सा वैसली सो भी नाइट को इम्प्रूव कर लिया, उन्होंने वो ई थ्री से निकाल के एफ फाइव तक ले आया, लेकिन उनके पास भी कुछ खास नहीं था, वो भी ज़्यादा कुछ प्रेशर डाल नहीं सकते थे क्योंकि नाइट सी फाइव तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग बैठा हुआ था और रिपिटिशन दिखने लगे कुछ मूव्स बाद। आनंद ने इसको ई फोर तक पहुंचा दिया एफ थ्री के स्क्वायर की वीकनेस को पकड़ते हुए, क्योंकि अगर ये वीक है तो आप घर से नहीं निकल सकते हैं इसको छोड़ के क्वीन का, तो इसी बात को ध्यान में रखते हुए और आफ्टर सम एक्सचेंजेस यहाँ पे आप देखिए थोड़ा सा प्रेशर दिखाया लेकिन कुछ ज़्यादा यहाँ पर हासिल नहीं हुआ, दोनों खिलाड़ियों ने यहाँ पर ड्रॉ पर सहमत हो गए। तो ये था पहला मुकाबला दोस्तों, इसके बाद देखते हैं आर्मागेडन में क्या हुआ, और आर्मागेडन में वही हुआ जो विश्वनाथन आनंद चाहते थे। जी हाँ, आनंद ने वैसली सो को हरा दिया। कैसे हरा दिया, मैच को ड्रॉ रख लिया, क्योंकि काले मोहरों से जो भी खिलाड़ी आर्मागेडन में कम समय लेके खेल रहा है और मुकाबले को ड्रॉ रखता है तो मुकाबला जीत जाता है। ये भी मुकाबला थोड़ा अलग ही हो गया, जैसे पिछले दो बार हमने देखा आर्मागेडन के मुकाबले ऑलमोस्ट सेम हुए जो क्लासिकल में मैच हुआ, इस बार तैयारी जो है एकदम अलग करके आए थे वैसली सो, क्योंकि उन्होंने पिछले दो परिणाम देखे हुए थे। तो देखे क्या हुआ, नाइट एफ थ्री, डी फाइव, जी थ्री, सी सिक्स, तो एक प्रकार से ये जी थ्री वेरिएशन में चला गया, स्लाव डिफेंस में आप कह सकते हैं साइड लाइंस में पहुंच गया। बिशप एफ फाइव, अपने पॉन चेन से बिशप को बाहर रखा, ये एक इम्पॉर्टेंट बात इस मैच छोटे से मैच से भी सीखने लायक है आनंद के। तो इस अपने आप देख सकते हैं एक बैड बिशप है लेकिन पॉन चेन से बाहर है तो उतना बैड नहीं है। नाइट सी थ्री, नाइट बी डी सेवन, नाइट एच फोर, एक बार फिर नाइट एच फोर ट्राई किया, इस पोजीशन पे भी नाइट एच फोर बहुत कम खेला गया है। तो वैसली सो आज नाइट एच फोर की कुछ अलग तैयारी करके आए थे, बिशप जी सिक्स आए, क्वीन बी थ्री, तो आनंद क्वीन बी सिक्स आए, यहाँ पे सी फाइव खेला जो कि नॉवेल्टी है और आज तक किसी भी मुकाबले में नहीं खेला गया। अच्छा, इन दोनों आप देखें कि जो भी खिलाड़ी खेल रहे हैं युवा खिलाड़ी आनंद के अगेंस्ट कुछ नॉवेल्टी ट्राई कर रहे हैं, क्यों, शायद ये खिलाड़ी आनंद की समझते हुए कि कई बार आनंद जो है नई पोजिशंस पर गलतियाँ कर देते हैं, क्योंकि जैसा कि उनकी उम्र के हिसाब से थोड़ा कभी कभी हम देख रहे हैं, तो शायद वो आनंद को ओपनिंग की थ्योरी से बाहर रखना चाहते हैं, क्योंकि अगर आनंद को ओपनिंग मेन लाइन में वो लेके जाएंगे तो वो जानते हैं कि आनंद का नॉलेज मेन लाइन में बहुत पावरफुल है, और इस बात को ध्यान में रखते हुए जो इनकी सेकंड्स की टीम है वो आनंद के खिलाफ कुछ नया ढूंढने की कोशिश कर रही है। हर बार आप देखिए हर मैच में कुछ नई नॉवेल्टी हो रही है, लेकिन आनंद जो है वो आनंद है और उनकी समझ एक्सपीरियंस के बाद भी ये जो नए खिलाड़ी हैं उनसे उम्र में आधे ये खिलाड़ी हैं वो भी कुछ निकाल नहीं पा रहे हैं, और आनंद उनके खिलाफ आर्मागेडन मतलब ब्लिट्ज का मुकाबला खेलते हुए जीतते हुए आगे जा रहे हैं।
अनबिलीवेबल। मैं मुझे नहीं दिखता कि आनंद ये टूर्नामेंट को चैंपियन बन जाए, लेकिन अगर विश्वनाथन आनंद इस स्तर पर इस स्तर के खिलाड़ियों के साथ ऐसी प्रतिद्वंदता दिखाते हैं, उन्हें उनके क्लासिकल में उनकी नॉवेल्टीज को निष्फल करते हैं और आर्मागेडन में उनको पराजित कर देते हैं, इससे बड़ी बात क्या हो सकती है। तो बहुत बहुत सलाम विश्वनाथन आनंद को और उनकी एबिलिटी को कि अभी भी 50 साल के होने जा रहे हैं और टॉप 10 में बने हुए हैं। तो खैर, आनंद ने यहाँ पे क्वीन A6 खेला, एक अच्छा मूव खेला और E2 पे नज़र है और नाइट E4 भी जंप कर सकता है। खैर, नाइट G6 HG6 E4 खेला यहाँ पर, तो आनंद ने यहाँ पर बहुत ही समझदारी से B6 खेला और इस पूरे स्ट्रक्चर को चैलेंज कर दिया, क्योंकि आप देख सकते हैं कि क्वीन रखा हुआ है तो B4 से आप इस स्ट्रक्चर को सपोर्ट तो कर नहीं सकते हैं, मजबूरी है यहाँ पर ब्रेक किया, सॉरी मैं क्षमा चाहूँगा, C5 क्वीन A6 यहाँ पर नाइट G6 HG6 E4 किया, तो आनंद ने खेला B6, उन्होंने मारा E into D5 और CB6 मारना फोर्स है और इसके बाद आनंद ने बिल्कुल बराबर पोजीशन हासिल कर ली। यहाँ से कुछ हासिल करना, क्वीन आपको कैसल भी करना है तो चैलेंज करना होगा क्वीन को एनीवे। तो आनंद ने खेला B5 बिशप D3 BD6 और सारे मोहरे बाहर आ गए कैसल होने के बाद। आप देख सकते हैं कि कोई बड़ी वीकनेस नहीं है, जरूर यहाँ पर थोड़ी सी वीकनेस नजर आती है, बट इतना समय है कि जब तक ये मोहरे एक्टिवेट होंगे C5 आ जाएगा और वही हुआ। यहाँ पर क्वीन A7 C5 के स्क्वायर पर कंट्रोल, नाइट E2 आए, तुरंत रुक C8 C5 आ रहा है, बिशप E3, लेकिन C5 आना नहीं रुकेगा और इसके बाद पोजीशन एक बार फिर बिल्कुल बराबर हो गई। एक पॉन सेक्रीफाइस आया लेकिन तुरंत ही वो पॉन सेक्रीफाइस जो है बराबर हो गया और इसके बाद तो जो एक्सचेंजेस हुए आप देख सकते हैं कि एक के दो दो रुक है, नाइट है, जो पोजीशन है ये सिर्फ मैटर ऑफ आप कह सकते हैं कि एक्सपीरियंस है, थोड़ा देर मोरों को व्यवस्थित तरीके से टेक्निक है एक प्रकार से, ये पॉन क्वीन नहीं बनने वाली है, आउटसाइड जरूर है और टेक्निक का आनंद ने भरपूर यहाँ पर अपना प्रदर्शन किया और थोड़ी देर बाद ही दोनों खिलाड़ी जो है नाइट भी एक्सचेंज हो गया और यहाँ पर वेस्टली सो समझ गए कि यहाँ से कुछ हासिल करना और परेशानी का कारण बन सकता है, क्योंकि आनंद की पास्ट पॉन भी डेंजर हो गई थी और कितने व्यवस्थित तरीके से देखिए रुक बैठा हुआ है, यहाँ पर पॉन है, अगर आप एक भी रुख हटाएंगे तो ये पॉन चली जाएगी और ये बहुत ही आप कह सकते हैं कि थियोरेटिकली पकड़ लिया था उन्होंने, यहाँ से कुछ भी प्रोग्रेस करना पॉसिबल ही नहीं था, बल्कि अगर ज़्यादा जोर देते ये पॉन मर जाती और ये पॉन मर जाती तो एंड गेम में अगर किसी को थोड़ी दिक्कत हो सकती है तो अलग अलग पॉन होने की वजह से वेस्ली सो को दिक्कत हो सकती है। तो ये उन्होंने ड्रॉ यहाँ पर उन्हें मानना पड़ा और इसके साथ ही आनंद की लगातार तीसरी जीत और एक बढ़िया आप कह सकते हैं कि उन्होंने दिखाया युवा खिलाड़ियों को पिछले 3 मैच में कि वो अभी चूके नहीं है और आर्मागेडन ब्लिट्ज मुकाबले में भी वो अच्छे अच्छे विश्व के दिग्गज युवाओं को ठिकाने लगा सकते हैं, ठिकाने मतलब हरा सकते हैं। तो दोस्तों ये था हमारा नॉर्वे चेस पे लगातार कवरेज, अपने सुझाव हमें जरूर भेजते रहिए अपने और हमारे लाइक करना और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें हमारे चैनल को और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जो कि हिंदी भाषा को समझते हैं शतरंज में। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का मुझे सुनने के लिए, चेस बेस इंडिया के लिए मैं निखिलेश जैन, जय हिंद।